फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। उसके बगल नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, आप लोगों को रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जो कि आप लोगों को समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यह है लुमिनस की शक्ति चार्ज मॉडल 1000। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम है, कस्टमर ने बताया है कि बैटरी में छूता है तो वो शॉक लगता है, यानी कि बैटरी में करंट आता है, मेन लाइन का बैटरी में भी करंट आता है। और दोस्तों, हम लोग कन्फर्म करेंगे अभी ये आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम लोग अब लाइट देते हैं इसमें, इसमें हम लोग लाइट दे देते हैं, लाइट दे दिए इस इन्वर्टर में। और हम लोग चेक करते दोस्तों इसकी, देखिए इसकी जो सर्किट है उसमें मेन लाइन आ रही है, यानी कि इसकी बैटरी लाइन में मेन लाइन इनपुट हो रही है। तो दोस्तों, ये कंफर्म करेंगे एक्चुअली ये मेन लाइन है या फिर अनवांटेड करंट यानी कि आर्थिंग आ रही है। तो दोस्तों, हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। तो इसमें इसकी आउटपुट में बल्ब लगा लेते हैं, आउटपुट में देखिए बल्ब जल रहा है, आउटपुट में लगा दिए। तो अब दोस्तों, हम लोग करेंगे इसमें बैटरी की वायर में देखेंगे लगा के ये जल रही है कि नहीं जल रही है। तो बैटरी की जो वायर है उसमें हम लोग लगा के देखते हैं, सर्किट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये सर्किट में मैंने लगाया तो ये बल्ब जल रहा है, सर्किट में भी ये बल्ब जल रहा है। इसमें जो है कि आपका करंट आ रहा है सर्किट में, ये जल रहा है, देख रहे हैं आप, सर्किट में भी ये बल्ब जल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सर्किट में क्यों सप्लाई आ रही है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये किस वजह से हो सकता है। तो किस वजह से हो सकता है, सबसे पहले आप देख रहे हैं मेन ट्रांसफार्मर है, अगर ये भी ख़राब होगी तो आपकी सर्किट में सप्लाई आएगी, जो कि देखिए एक साइड में आपका मेन लाइन का कनेक्शन होता है, एक साइड में आपका बैटरी का कनेक्शन होता है और बैटरी में चला जाता है। ये वाइंडिंग देख रहे हैं, बैटरी में चला जाता है, एक जो है आपका मेन लाइन में रहता है, तो इसके थ्रू भी इसमें करंट आ सकता है बैटरी की लाइन में। अब हो गया आपका रिले, रिले देख रहे हैं आप, रिले जो है, रिले भी अगर ख़राब होगी तो रिले का जो एक साइड होता है उसमें मेन लाइन का कनेक्शन होता है और दूसरे साइड में जो कि बैटरी की कनेक्शन होता है, जो कि कोयल में होता है कनेक्शन, A1 A2 में कनेक्शन होता है कोयल की। और आप दोस्तों देख रहे हैं जितने रिले हैं, रिले भी ख़राब होगी तभी भी आपका बैटरी के लाइन में करंट आएगी। और ये जो है आपका ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर भी जो है IC देख रहे हैं आप, ये ख़राब होने से भी आपके मेन लाइन की जो सप्लाई है वो बैटरी लाइन में आ जाएगी, क्योंकि एक साइड में आपका बैटरी का कनेक्शन होता है, एक साइड आपका मेन से होता है, मेन सेंसिंग के लिए आता है। तो अगर ख़राब होगी ये ऑप्टो कपलर तभी भी बैटरी में सप्लाई आ सकती है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये भी आपका जो मेन सेंसिंग का, ये आपका ऑप्टो कपलर है, ये चार्जिंग का है, अगर दोनों ख़राब होने तभी भी आ सकता है। तो हम लोग बारीकी से एक एक करके निकाल के चेक करेंगे कौन सा ख़राब है। और दोस्तों, अगर आपका जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर अगर इसमें चार्जिंग के लिए लगाया गया है तो वो भी ख़राब हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें ड्राइवर ट्रांसफार्मर से बनाया नहीं गया है, तो ये आपका इसमें आपका रिले ऑप्टो कपलर ख़राब हो सकते हैं। और अगर सेंसिंग ट्रांसफार्मर इसमें लगा हो तो वो भी ख़राब हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर कोई अदर कंपनी का इन्वर्टर बना रहे हैं तो उसमें अगर आ रहा है लाइन बैटरी में तो सेंसिंग ट्रांसफार्मर ख़राब होने से भी आता है, ठीक है। और आपका ऑप्टो कपलर रिले है जो आपका एक साइड में मेन से कनेक्शन है और एक साइड बैटरी से कनेक्शन है, तो वो सामान ख़राब होंगे तब आपका बैटरी की लाइन में, बैटरी की जो साइड है सेक्शन है उसमें आपका सप्लाई आ जाएगी। तो दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को खोलेंगे और चेक करेंगे कहाँ से आ रही है, मेन ट्रांसफार्मर से प्रॉब्लम है, रिले से प्रॉब्लम है, ऑप्टो कपलर से प्रॉब्लम है, या फिर ड्राइवर ट्रांसफार्मर, इसमें ड्राइवर ट्रांसफार्मर नहीं है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर से भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम लोग इसको बोर्ड को खोल के बाहर निकाल के चेक करेंगे। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं, आप फाइनली मैंने इसकी सारी रिले एक एक करके चेक की, जो कि मैंने मीटर से भी चेक की और जो कि सभी सही बता रहे थे, और मैं रिले को बाहर निकाल के और सप्लाई दे के, मैं 12 वोल्ट की एडाप्टर सप्लाई दे के, हो सकता है कभी कभी क्या हो, रिले आपका शॉर्ट दिखाता नहीं है, मतलब आप जैसे इसको नॉर्मली ओपन से कनेक्ट होगा उस पीरियड में वो आपका शॉर्टिंग दिखाता है। तो उस पीरियड में खोल के भी हम लोग एक एक रिले चेक किए हैं जो कि सही था, इसमें मैंने सभी कंपोनेंट चेक किए हैं जो कि इसमें सब सही निकला, मेन ट्रांसफार्मर चेक कर दिया सही निकला। तो दोस्तों, इसमें
जब मैं सर्किट निकाल के चेक करता हूँ तो ये सही दिखाता है और ट्रांसफार्मर भी सही दिखाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बहुत जोर का शॉक मारता है। तो इसके लिए प्रॉब्लम मुझे लास्ट में डायग्नोस हुआ, पता चला कि इसकी क्या प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों देख लीजिए इसकी प्रॉब्लम क्या थी। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये स्विच कनेक्शन है सर्किट में। जब मैं सर्किट फिट करता हूँ तभी ये शॉक लगता है, और जैसे मैं सर्किट खोल के कंपोनेंट चेक करता हूँ तो सब सही दिखाता है। यानी कि रिले भी करके मैंने चेक किया, खोल के सब सही दिखा रहे थे, और ट्रांसफार्मर भी चेक किया मैंने, सही दिखा रहे थे। और मैं मल्टीमीटर जो है उसकी चेक करने, जब चीज चेक करेंगे तो उसको आपको किलो के रेंज में, मेगा के रेंज में चेक करेंगे, क्योंकि ओम्स में चेक करेंगे तो कहीं कहीं थोड़ी सी इसकी जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है तो वो दिखाता नहीं है, जब किलो में चेक करेंगे दिखाएगा। दोस्तों ये इतना इसका शॉर्टिंग था, जो कि ये वाली बल्ब जो देख रहे हैं आप, एलईडी बल्ब भी जल जा रही थी, लेकिन मैंने सर्किट निकाल कर चेक किया तो सब सर्किट के कंपोनेंट सही दिखा रहे थे। यानी कि रिले भी मैंने एक एक करके चेक किया, यहाँ तक कि ऑप्टो कपलर भी मैंने ओपन करके चेक किया, फिर भी प्रॉब्लम नहीं मिला। लास्ट में मैंने क्या किया देख रहे हैं आप, रिले को एक एक करके मैं ओपन करके, मैं यहाँ जब बेसा में रिले के कनेक्शन में करता था, कॉमन से नॉर्मली करेंट बॉडी में करंट आ जाते थे। दोस्तों मैंने पता लगा कि इसके प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। जैसे आउटपुट का जब कनेक्शन देता तभी आता था, तो आउटपुट में मैंने जहाँ पर जाकर देखा तो ये जो वायर है, वायर यहाँ पे आपका मेंस में लग गया था। और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम था, ये इस इन्वर्टर में एसिड गिर गया है, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेन निकल रही है। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसकी फॉल्ट पकड़ ली, ये वायर की थी। और दोस्तों अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम मिल रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिले चेक करना है, क्योंकि रिले में एक साइड में मेंस होता है, एक साइड में बैटरी कनेक्शन होता है, रिले का प्रॉब्लम हो सकता है। सेंसिंग ट्रांसफार्मर अगर 23023 वो भी ख़राब हो सकती है, मेन ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो सकता है, और कपलर भी कभी कभी शॉर्ट हो जाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी में, तो इससे भी प्रॉब्लम होता है। तो आपको ये सब चेक करना है। फाइनली मैंने इसकी प्रॉब्लम की सॉल्व कर दी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।